अनुपमा में फूटेगा अनुपमा का वनराज पर गुस्सा। देखने को मिलने वाला है कुछ बहुत ही बड़ा ड्रामा, जहां पर वनराज ने अच्छाई का चोला पहन लिया है, लेकिन काव्या इस चालाकी को समझ गई है। समझने को अनुपमा भी समझ सकती थी, लेकिन फिलहाल अनुपमा और अनुज दोनों ही एक दूसरे में खोए नजर आ रहे हैं। अनुपमा का पूरा ध्यान अनुज पर है और अब वो अनुज के साथ अनुज के घर में ही रहने वाली है। वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बिना शादी के, यानी कि उसकी देखभाल करने के लिए। तो वहीं काव्या घर वालों को यही समझाने की कोशिश करती है कि वनराज कोई ना कोई गेम प्लानिंग जरूर कर रहा है, और इसका हिंट भी मिल ही चुका है कि वनराज बहुत बड़ी प्लानिंग करने में है और उसके पीछे कोई और साथ नहीं देने वाला है। अनुज का ही पास्ट होगा जो वनराज का साथ देते नजर आएगा, और अनुज का और अनुपमा की बर्बादी का इंतजार कर रहा है। तो होगी एक विलन की एंट्री, लेकिन देखने को मिलने वाला है कि काव्या इस बात के बारे में आगाह कर देती है अनुपमा को कि वनराज तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, जो तुम्हें कह रहा है कि अब मूव ऑन कर जाओ, अनुज के साथ रह लो, ये वो, लेकिन उसके पीछे का तुम सच नहीं जानती हो। वनवी को मैं जितना जानती हूँ ना, इतना तो तुम शायद नहीं जान पाओ। जितनी अच्छाई तुम जानती हो, उसकी उतनी ही बुराई मैं जानती हूँ, और उसका दूसरा चेहरा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जो तुम्हारे सामने जल्दी आएगा। और अनुपमा का ये सच सही निकलता है कि वनराज उनकी दोनों की, यानी अनुज और अनुपमा की बर्बादी की तैयारी कर रहा है और उनके बिजनेस को टेक ओवर करने की कोशिश में है। के बाद में वनराज का ये असली चेहरा अनुपमा के सामने आएगा जब वो अनुज के ही पास से मिलते दिखेगा और अनुपमा के होश उड़ जाएंगे। अनुपमा वनराज को उसके साथ देखकर उसके हाथों में ये सारी सिचुएशन होगी, और वनराज का ये चेहरा देखकर अनुपमा को भी तगड़ा झटका लगेगा, और अनुपमा अब वनराज को चैलेंज करने वाली है और वनराज को जोरदार थप्पड़ भी पड़ेगा। लेकिन तब तक वनराज एक बहुत बड़ी गेम खेल चुका होगा। जी हां दोस्तों, देखने को मिलेगा कि अनुज और अनुपमा दोनों ही सड़क पर आते आते रहेंगे, और देखने को मिलेगा दूसरी तरफ वनराज ने कुछ ऐसी ही प्लानिंग कर डाली है जिससे कि अनुज और अनुपमा का एक तरह से वो इस्तेमाल करेगा। तो देखते हैं कि अभी अपनी होटल को खड़ा करने के लिए वनराज क्या यहाँ पर तमाशा शुरू करता है और कैसे अनुपमा उसको सबक सिखाती है।